ये मनोना धाम का श्याम कुंड है। देखिए यहाँ पे सभी लोग छींके मार रहे हैं, सब तरह की बीमारियाँ यहाँ से दूर हो जाती हैं। और ये महंत जी का जहाँ पे दरबार सजता है, और काफ़ी रश है, काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है। बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत आनंद आया यहाँ के। आप लोग भी एक बार ज़रूर आइए। ये गप्पू भैया ने भी पूरे दर्शन कर लिए हैं। गप्पू उन्होंने बोल दिया नाना जी को यहीं से अंदर ले रहे हैं, अपन उधर लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, नाना जी को पहले अंदर कर दे, फिर अपन चलते हैं। किसने बोल दिया? साक्षात प्रमाण दिखाती हूँ, एम्बुलेंस में यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, और लोगों की इतनी श्रद्धा और आस्था है यहाँ पर कि एम्बुलेंस में पेशेंट आ रहे हैं और यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं सभी लोग। यहाँ तक देखिए कितनी एम्बुलेंसें हैं, ये आंखी को देखिए, और सभी लोग ठीक होके जा रहे हैं यहाँ से। ये बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार है। आप लोगों को भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो यहाँ ज़रूर आए, मनोना धाम में बाबा खाटू श्याम के दरबार में अर्जी जरूर लगाएं। जय श्री श्याम। मिल गया आशीर्वाद, नाना जी की खुशी की कोई सीमा नहीं है, मिल गया आशीर्वाद। जय श्री श्याम, जय। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को मनोना धाम में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, और महंत जी के भी दो बार दर्शन किए हमने, दो बार उनसे आशीर्वाद लिया, और अब हम लोग निकल पड़े हैं वापसी के लिए। और ये थके हारे लोग जो कि सो चुके हैं, अब हम लोग निकले हैं वापसी के लिए, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ जो कि यहाँ से पास में ही है, और वहाँ की क्या महत्व है वहाँ का, वहाँ की क्या मानता है, और किसका मंदिर है वहाँ पे, वो सब कुछ मैं आपको वहीं चल के बताऊँगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो मुझे भी नहीं पता। और ये रल्ली जी बोल रहे हैं कि कल बताएंगे, तो शायद रल्ली जी को पता होगा वहाँ के बारे में। बताइए वहाँ पे क्या है।
कल वहाँ पहुँचने के बाद बताएंगे ना। कल वहाँ पहुँचने के बाद हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो चलिए आप भी मेरे साथ नैमिषारण्य धाम। देखिए फ्रेंड्स, रास्ते में हमें मिल गए संतरे और जामफल, और ये काला नमक का मसाला मैं घर से हमेशा बना के चलती हूँ सफर में, देखा। और ये सब लोग जामफल पे लगा लगा के खा रहे हैं, और रास्ते में जामफल खाने का मजा ही अलग है। हम लोग नैमिषारण्य तीर्थ में आ गए, पहुंच गए, और यहाँ पर आज बहुत सारी भागवत जी चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सालाना प्रोग्राम होता है परिक्रमा का, मंदिर की परिक्रमा का, उसकी वजह से बहुत सारी भागवत जी चल रही हैं। तो भागवत जी की वजह से हमको सारे होटल्स वगैरह सब धर्मशालाएं बुक थी, तो हमको आज यहाँ पर ये रूम मिला है। तो इसमें ये डबल बेडरूम है, और उन्होंने हमें गद्दे और कंबल वगैरह की पूरी सुविधा दी है। वॉशरूम बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए एकदम नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, आप लोग कभी भी आए यहाँ पर तो मंदिर के पास ही बिल्कुल, और मंदिर के पास ही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब नाना जी यहाँ पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत देर गाड़ी में चल के आए हैं। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, खाना खा के आते हैं, और नाना जी का खाना यहीं ले आएंगे पैक करा के, फिर कल नाना जी को पूरा दिन घुमाना है। ठीक है, चलो। और ये काफ़ी सारी यहाँ पे धर्मशालाएं वगैरह बनी हुई हैं, और ये जो धर्मशाला है हम लोगों की, ये भी बहुत अच्छी एकदम नीट एंड क्लीन धर्मशाला है ना, एकदम नीट एंड क्लीन धर्मशाला है ये। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो कि ज़्यादातर हर जगह प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ पर हर धर्मशाला में पार्किंग की जगह देखिए, पार्किंग की जगह देखिए, पूरी हर धर्मशाला में इतनी बड़ी पार्किंग है। और अभी लगभग सारी धर्मशालाओं में भागवत जी चल रही है, और कल 11 से तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हम आज बहुत अच्छे दिन आए नैमिषारण्य तीर्थ में, क्योंकि कल वो है 11 से कल, तो 11 के दिन कल हम लोग दर्शन करेंगे। और ये गप्पू भैया भी आ गए, इनको अब लग रही है भूख बहुत जोर से। गप्पू भैया को ही नहीं, हम लोगों को सभी को भूख लग रही है बहुत जोर से, क्योंकि काफ़ी देर से हम गाड़ी में चल रहे थे। तो चलिए अभी मैं आपको आगे और दिखाती हूँ, क्योंकि जो हमारी ये धर्मशाला है, ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक, जैसे खाटू में बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, खाटू में जैसे चौखानी धर्मशाला है खाटू की, सेम वैसे ही ये धर्मशाला बनी हुई है काफ़ी बड़ी। तो आप लोग जब भी आएँ यहाँ पर नैमिषारण्य, मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि हम लोग सच में राजा दशरथ वाले युग में पहुंच गए। मतलब यहाँ का माहौल, यहाँ की ज़मीन पे कदम रखते ही ऐसा लगा कि जैसे सच में हम श्री राम और दशरथ वाले युग में पहुंच गए। और ये हर धर्मशाला में मंदिर बना हुआ है, ये अभी बंद हो चुका है क्योंकि हम लोग लेट हो गए। तो मैं सुबह आप लोगों को ये मंदिर के भी दर्शन कराऊँगी। और देखिए अब यहाँ का मार्केट, अभी हम लोगों को धर्मशाला वाले भैया ने बताया कि यहीं पे वॉकिंग डिस्टेंस पे काफ़ी अच्छा एक भोजनालय है, नवरंग भोजनालय करके बताया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी। और यहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छा, और अभी हम लोग आए तो यहाँ पे बारात निकल रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया परिक्रमा। तो चलिए बाकी अभी तो हम लोग खाना खा के रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत थक चुके हैं, और उसके बाद कल मैं आप लोगों को पूरे नैमिषारण्य के अपने साथ साथ दर्शन करवाऊंगी। और देखिए ये एक और धर्मशाला आ गई है,
रमजान की अतिथि भवन, और इसके अंदर भी भागवत जी चल रही है। देखिए मैं आपको बाहर से थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये देखिए ये धर्मशाला में भी अंदर भागवत जी चल रही है। हर धर्मशाला में अभी इस समय भागवत जी चल रही है, और सभी लोग यहाँ पर भागवत जी में जिन जिन की श्रद्धा है वो जोड़े से बैठ के और पूजा का लाभ ले रहे हैं। तो चलिए अब हम भटकते हैं, ट्रेवल लवर रात्रि की नैमिषारण्य की सड़कों पे। लोगों को ट्रैवलिंग 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 बहुत ज़्यादा शौक है हमें ट्रैवलिंग का, तो हमें कोई भी कहीं भी बोलता है कि ये जगह बहुत अच्छी है तो हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, और मंदिर वाली जगह हम लोग को बहुत ज़्यादा खास करके अच्छी लगती है। चलिए चलते हैं आगे, और अब थोड़ी सी देर हम नैमिषारण्य की सड़कें और बाहर का देखते हैं, बाकी कल सारे मंदिर घूमेंगे। ये रल्ली जी आ रहे हैं पीछे, ये एक और धर्मशाला आ गई, इसमें भी देखिए भागवत जी चल रही है, टेंट लगा हुआ है। ये यहाँ पे न्यू हरिशंकर ढाबा, जो कि सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत टेस्टी खाना होता है। गप्पू भैया अभी बाहर पता करके गए थे, तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्राई करके कि कैसा खाना है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अभी देखिए रात का टाइम है लेकिन सड़कों पर आपको काफ़ी लोग घूमते हुए नज़र आ जाएंगे, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक आत्मिक शांति जो जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ आके मिल रही है। और ये हमारा ढाबा, चलिए अंदर चल के देखते हैं।